उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था? जी। तो उस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था, और अब याद करता है उस भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। अच्छा, घटना जब इतनी हुई, खून दिखता होगा, मगर इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था, अगल बगल कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हिम्मत आई है, अब तो लोग तुम्हें, अखबारों में नाम छप गया, लोग तुम्हें बातें करते होंगे, तो क्या तुम्हारा भी कोई पसंदीदा कोई सुपर हीरो है क्या? जी है, ऐसा नहीं है कुछ मन में? आपका सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो है? चलिए कोई बात नहीं, मैं तो, आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल लिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं, तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। आगे क्या बनने के लिए सोच रहे हो धीरज? फौजी, फौजी बनकर देश का सेवा। फौज में जाना है? जी। चलिए, फिर तो देशभक्ति भी उतनी भरी पड़ी है आपके अंदर, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी, धीरज के बाद अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है, जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे। मेधांश नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेधांश बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला, सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है, वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में, तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफ़ी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है, तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए। एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ? सर, उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे, ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर, मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं, एंड मेरे फादर, एंड डीएम मैम, एंड उनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली, माँ बाप ने डाली है, स्कूल में, कॉलेज में डाली, क्या हुआ? सर, मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड, तो उन्होंने मुझे काफी एक्सप्लोर किया, सिखाया। एंड मुझे मेरे फादर से काफी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के अंदर, मैं और जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कोडिंग सिखाऊं। एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फेसबुक, गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डिवेलप करूँ और समाज की सेवा कर सकूँ। मेधांश, आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए, भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई, वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को,
एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें, उस स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं